मात्रा में विश्वास है कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, भाजपा के 10 साल के कुशासन का अंत किया है, और जो जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने जिस तरीके से मेहनत करी, पूरे देश में और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के आए, उसी दिन हरियाणा में माहौल बनना लग गया था कांग्रेस पार्टी का, और कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े भारी बहुमत से, आपको जब नतीजे आएंगे तब आप भी देखना, और ये जो एग्जिट पोल है इन्होंने भी एक दिशा आपको दिखाई दी है, जब नतीजे आएंगे तो आपको पता चलेगा बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी में इतना कॉन्फिडेंस कहां से है? वो कह रहे हैं कि हम तो अलायंस की भी हमें जरूरत नहीं है, और अगर ऐसी स्थिति आई तो हमने बात कर रखी। ये कॉन्फिडेंस बीजेपी की ट्रेनिंग से आता है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की, लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। और सर आप युवा हैं और आजकल युवा नेतृत्व की मांग देश भर में होती है, क्या इस बात की संभावना है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए लोग मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर? देखिए ये हमारी प्रक्रिया रहती है, कांग्रेस पार्टी की एक अपनी प्रणाली प्रक्रिया है, दशकों से जो चली आ रही है उसी के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है। तो ये पहले हमारा जो लक्ष्य था वो लक्ष्य कोई पद नहीं था किसी का, हमारा लक्ष्य था केवल बदलाव लाना, कांग्रेस की सरकार लाना। राहुल जी ने जो मेहनत करी थी और जिस ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने लड़ाई पूरे देश में लड़कर एक देश में माहौल बनाया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हरियाणा की में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे उत्तर भारत में उसका एक संदेश जाएगा, वो हमारा लक्ष्य, हम विश्वास के साथ हमें पूर्ण भरोसा है कि वो लक्ष्य हमारा प्राप्त होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल जी के हाथ हरियाणा मजबूत करेगा। लोकसभा चुनाव के बाद ही आपने लक्ष्य साथ लिया था और आपसे मैं मिला था यात्रा के दौरान, आप कह रहे थे हरियाणा में कांग्रेस आएगी, ये जो कॉन्फिडेंस है ये लोकसभा चुनाव के बाद आपको मिला और आपने यात्रा शुरू कर दी? देखिए कॉन्फिडेंस हमें धरातल से जुड़े होने की वजह से मिला है। हम जो है 5 साल 365 दिन लोगों के बीच में रहते हैं, आप भी देखते हो, तो हमें पता है हरियाणा में लोगों की क्या भावना थी उस बात का। पिछली बार भी हमें पता था, पिछली बार भी मैंने कहा था कि ये 75 पार का नारा कुछ नहीं है, और इस बार कांग्रेस के बड़ा बहुमत कांग्रेस को मिलेगा और हरियाणा में एक नई शुरुआत के लिए लोगों ने मतदान किया, एक नई शुरुआत हरियाणा में हो, हरियाणा आगे जाए, एक उज्ज्वल भविष्य की तरफ आगे जाए, और बहुत बड़ी जीत ये हरियाणा में कांग्रेस की होने जा रही है, ऐसा हमारा विश्वास है।